हाय फ्रेंड्स, अच्छे हैं? जी जी अच्छे हैं। तो फिर वही अंदाज में एक बार फिर से आपके बीच कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर अपने नए अंदाज के बारे में एक बता दें। मंडे से, मतलब अगले वीक से, हम लोग एक नया चीज लॉन्च करने वाले हैं। जीके जीएस का फाउंडेशन बैच का पेड कोर्स, और वह बैच स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी का ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम से, जूलॉजी सेक्शन से स्टार्ट हो रही है। मंडे से संध्या 6:15 बजे से 7:15 बजे तक पेड कोर्स का क्लास का लाइव जाएगा। अभी एक सप्ताह आपको ट्रायल दिया जाएगा, जैसा कि दिया जाता है 2-3 दिन ट्रायल दिया जाता है। तो मैं 5 दिन का आपको ट्रायल दूंगा, जिसमें आपको परचेज कर लेना होगा। और उसके बाद अगले सप्ताह से जो जो लोग पेड कोर्स में परचेज किए होंगे, उनके मोबाइल में हम साक्षात दर्शन देंगे, नहीं तो उनके मोबाइल में फाउंडेशन बैच का दर्शन नहीं होगा। ये जो डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट का अभी 50 तक जाएगा, 50 तक आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और लगातार अभी शायद 35वां या 36वां होगा, तो जो भी हो आप उसको देखते रहे। और एक मेरा मानना है कि एक सिनेमा बना ले, एक सारा टेस्ट सीरीज के डिस्कशन का कंक्लूजन जितने भी YouTube पे दिया गया है, सारा एक जगह सबमिट कर ले, एक कॉपी में लिख ले, ताकि उसको बार बार आप पलट पाए। मजा आएगा तब जब बार बार रिवीजन होगा, बिना रिवीजन का आपको यह मजा देने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षेत्र के पौधे को उगने के लिए अपेक्षित मिनिमम टेम्परेचर कितना होनी चाहिए। तो देख भैया, मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है किसी पौधे का वृद्धि और विकास के लिए, लेकिन इसमें 18 डिग्री तो है नहीं, तो क्या मान लीजिएगा? एक लिख लेंगे, उत्तर क्या होगा? बी नंबर, पहला का बी नंबर लिखेंगे। किसी क्षेत्र में पौधा के विकास के लिए पौधा के विकास के लिए न्यूनतम तापमान अठारह डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत पहली भारतीय महिला फूडोलॉजी निम्नलिखित में से किस चोटी पर बिना ऑक्सीजन की मदद से चले। 5 मई 1984 का वह दिन था जिसमें पहली भारतीय महिला बिना ऑक्सीजन का माउंट एवरेस्ट पर फतह कर दिया था, तिरंगा लहराई थी। उत्तर क्या निकलेगा? माउंट एवरेस्ट, डी नंबर, एक लिख लेंगे। पहली भारतीय महिला फूडोलॉजी फूडोलॉजी ने बिना ऑक्सीजन की मदद से बिना ऑक्सीजन की मदद से
5 मई 1984 को, 5 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हिमालय हिमालय पर चढ़ी। क्वेश्चन है हिलेरी एडमंड हिलेरी कब चढ़े थे 1953 में। क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन, एडमंड हिलेरी और तेनसिंह शेरपा। यदि तेरपा शेर सिंह, लेकिन पहला व्यक्ति कौन बना 1953, एक लाइन लिख लेंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी, जिन्होंने उन्नीस सौ तिरपन में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। हो गया, तीसरा क्वेश्चन चले, कुरुंजी पौधा देख भैया 12 साल पर की एक बार खिलता है, अगस्त 3 महीना तक खिला रहा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त 2018 से सितंबर 2000 अगस्त से अक्टूबर 2018 तक खिला हुआ था। अब यह जिंदगी जान बचेगा तो 2030 में फिर देखने को मिलेगा। आखिर यह पौधा यह फूल कहां खिलता है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला नीलगिरी पर्वत पर यह फूल खिलता है। इसी फूल के कारण इस पर्वत का नाम नीलगिरी रखा गया। किस पर्वत का नाम, नीलगिरी पर्वत, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन पूछेगा आखिर 12 वर्ष पर क्यों खिलता है, तो फ्लोरिजन श्राव के कारण। किस श्राव के कारण, इतना लिखेंगे, 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला, 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला कुरुंजी पौधा, कुरुंजी फूल, कुरुंजी पुष्प फ्लोरिजन श्राव के कारण खिलता है, फ्लोरिजन श्राव के कारण खिलता है। यह पौधा नीलगिरी पर्वत पर अगस्त से अक्टूबर मंथ में खिला रहता है, अगस्त से अक्टूबर मंथ में खिला रहता है। इस फूल के कारण ही
इस फूल के कारण ही इस पर्वत का नाम नीलगिरी पड़ा। इस पर्वत का नाम नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पड़ा। ये नीला नीला 12 साल पर खिलने वाला फूल है। फ्लोरिजन श्राप के कारण यह फूल एक बार खिलता है और यह तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया गया। तमिलनाडु केरल की एक सीमा बनाता है। तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में किस पर्वत पर? नीलगिरी पर्वत पर। इसी फूल के कारण क्या कहा गया नीलगिरी पर्वत को? नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। हो गया, आगे बढ़ जाए। फूल के 12 साल के बाद वह फूल से रस या पौधा से रस निकलकर फूल बनता है। आगे पांचवा क्वेश्चन चले, बड़ी सुंदर। चौथा क्वेश्चन चले। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाली स्तनधारी है? अंडज स्तनधारी, ओविपेरस मेमेलियन। तो आप यहां पर गौर से सुनिएगा, सभी स्तनधारी को तीन वर्ग में बांटा गया। सभी स्तनधारी को पहला प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया और तीसरा यूथेरिया। प्रोटोथीरिया में उस स्तनधारी को रखा गया जो अंडा देती है, जैसे प्लेटिपस, एकिडना। दूसरा मेटाथीरिया में उस स्तनधारी को रखा जाता है न तो अंडा देती है न ही परिपक्व बच्चा देती है, बल्कि अपरिपक्व बच्चा देती है, एग्जाम्पल है कंगारू। और तीसरा यूथेरिया के अंतर्गत उस सभी स्तनधारी को रखा जाता है जो परिपक्व बच्चा देती है, जैसे हम लोग हुए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, खरगोश, गिलहरी, चूहा, छुछुंदर, यह सब क्या है? यूथेरिया में आता है। एक लाइन लिखेंगे, चौथा का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। लिखेंगे, सभी स्तनधारी मेमेलियन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रोटोथीरिया, इसके अंतर्गत अंडा देने वाली स्तनधारी क्वेश्चन के मोनो टीम, मोनो टीम अंडा देने वाली स्तनधारी को कहते हैं मोनो टीम को शामिल किया जाता है। जैसे प्लेटिपस, प्लेटिपस और दूसरा मोनोट्रीन एकिडना, प्लेटिपस और मोनोट्रीन एकिडना, मोनोट्रीन एकिडना, दूसरा लिखेंगे मेटाथेरिया ऐसा कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोटोथेरिया का स्किन पर देखिएगा, या प्रोटोथेरिया का एग्जाम्पल है, या बिल बनाकर आता है, इसे
चींटी खोर कहा जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे? चींटी खोर। हम लोग कहते साहिल है ये, पटना के चिड़ियाघर में भी पाया जाता है। या एकिजना है, एक नंबर दो नंबर एकिजना, और प्लेटीपस का कई रूप, या साहिल के रूप में भी देखा जाता है। या ऐसा संधारी है जो क्या करती है, अंडा देती है, बच्चा नो देखिए अंडा देती है। उत्तर भी निकल गया होगा। अगला लिखेंगे मेटाथेरिया। मेटाथेरिया इसके अंतर्गत उस स्तनधारी को शामिल किया जाता है जो न तो अंडा देती है न ही न ही बच्चा देती है, न ही विकसित बच्चा देती है, न तो अंडा देती है न ही विकसित बच्चा देती है, बल्कि वो अपरिपक्व बच्चा देती है, बल्कि अपरिपक्व बच्चा देती है। बल्कि अपरिपक्व बच्चा देती है। एग्जाम्पल कंगारू, एग्जाम्पल में कंगारू फिर लिखेंगे मादा कंगारू फीमेल कंगारू, के उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक शिशु धानी लगा रहता है, एक शिशु धानी, अंग्रेजी में कहते हैं मार्सुपियम, बेबी बास्केट, मार्सुपियम लगा रहता है जिसमें अपरिपक्व बच्चे का विकास होता है, अपरिपक्व बच्चे का विकास होता है। जरा से स्क्रीन पर देख ले, मादा कंगारू है, उदर गुहा पेट में, पेट के आबाहर में एक बेबी बास्केट लगा हुआ है, अपरिपक्व बच्चा मोरी निकालने है, आज जगत को देख रहा है कौन किधर क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह बच्चा विकसित हो जाएगा तो फटा पोस्टर निकला ही दो, मतलब मार्सुपियम को बच्चा फाड़ कर वो बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद वो मादा कंगारू जब फिर से प्रेग्नेंट होगी, फिर से गर्भवती होगी, तो यह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मार्सुपियम अपने आप विकसित हो जाता है। इसका मुख्य काम है अपरिपक्व बच्चे को विकसित करना। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले, तीसरा नंबर में, इसी का तीसरा नंबर यूथेरिया। हम लोग अपने बारे में यूथेरिया, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत उस स्तनधारी को शामिल किया जाता है उस स्तनधारी को शामिल किया जाता है उस स्तनधारी को शामिल किया जाता है जो परिपक्व बच्चा देती है। जैसे में मनुष्य हुआ, हाथी हुआ, शेर हुआ, गाय भैंस बिल्ली बहुत सारा है, चूहा, चमगादड़, इटीसी मार दीजिए। अरे पांचवा नंबर चलते हैं जल्दी में। आर एच फैक्टर का नाम क्या है भाई? आर एच फैक्टर का नाम के नाम पर किसके नाम पर पड़ा था? गौर से सुनिएगा। कार्ल लैंड स्टीनर एवं वाइजिनमैन या वाइजिनर, वाइजिनर एवं लैंड स्टीनर ने अफ्रीका के घने जंगल में पाए जाने वाले रिसस नामक बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार का एंटीजन या प्रोटीन देखा जो आरबीसी पर चटा हुआ था। उसी बंदर रिसस के नाम पर इसका नाम दे दिया गया आर एच फैक्टर। जिस रक्त में पाया गया उसे आर एच पॉजिटिव कहा गया, जिसमें नहीं पाया गया उसे आर एच निगेटिव कहा गया। भारत के लगभग 85% लोगों में यह विशेष प्रकार का प्रोटीन या एंटीजन पाया जाता है। अतः ए प्लस, बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस। तो प्लस जब यह होगा आर एच फैक्टर पाया जाएगा, माइनस होगा आर एच फैक्टर नहीं। जल्दी से दो पॉइंट लिखेंगे, उत्तर निकलेगा बंदर पांच के नंबर। देखिए वाइज मैन वाइजनर एवं लैंड स्टीनर के द्वारा अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले रिसस नामक बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार का एंटीजन क्वेश्चन लिखे प्रोटीन देखा, अतः इस एंटीजन का नाम आर एच फैक्टर रखा गया। यह फैक्टर आरबीसी से चिपका हुआ रहता है। आरबीसी से चिपका हुआ रहता है फिर अगला पॉइंट, जिस रक्त में यह कारक आर एच फैक्टर पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव और जिसमें नहीं पाया जाता है
जिसमें नहीं पाया जाता है उसे आरएच निगेटिव रक्त कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के सामान्य हीमोग्लोबिन का मात्रा तो देख रहा पुरुष और महिला में अलग अलग है, पुरुष में या कितना, पुरुष को ऐसे रखते हैं मेल में 14.5 ग्राम और फीमेल में कितना, 1% कम 13.5 ग्राम। सात नंबर क्वेश्चन का रहा है, उत्तर क्या निकलेगा, 6 का D नंबर। सात नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रेशेदार फाइबरस युक्त बोन कहां पाया जाता है, मस्तिष्क में, उत्तर निकालिए D नंबर, 7 का D लिख लेंगे। ये हमारे शरीर में रेशेदार अस्थि फाइबरस बोन रेशेदार अस्थि मस्तिष्क क्वेश्चन लिखे क्रेनियम में पाया जाता है, क्रेनियम में पाया जाता है जो कितनी हड्डी से, जो 8 हड्डी से, मिलकर बना है और इसमें अचल संधि अनमूवेबल ज्वाइंट अनमूवेबल ज्वाइंट पाया जाता है। अब जल्दी से दो क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, हो गया। कैसी संधि, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हिल डोल नहीं होता है, हमने पिछले टेस्ट में बताए थे, मेरे तरफ ध्यान देंगे सभी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सब लोग। एस्कल में हड्डी की संख्या 29, खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29, इसमें 14, चेहरे में 6, क्रेनियम में और 1 एटलस बोन, टोटल मिलाकर 29। इस 29 में चले, चेहरे में 14 हड्डी है, 14 में 13 हड्डी में अचल संधि पाई गई, निचला जबड़े की हड्डी लोअर डेंटली केवल मूवमेंट होता है जिसके कारण हम लोग भोजन को तोड़ पाते हैं। अब आया क्वेश्चन, हमारे अपर आर्म में 1 हड्डी ह्यूमरस, कोई बोलिएगा नहीं, हमारे एक हाथ में अपर आर्म में ऊपरी पाह में 1 हड्डी ह्यूमरस, लोअर आर्म में 2 हड्डी रेडियस और अल्ना, कलाई में रिस्ट बोन में 8 कार्पस बोन कहा गया, हथेली को मेटा कार्पस बोन कहा गया, हड्डी की संख्या 5, उंगली में हड्डी की संख्या 14, उंगली में हड्डी की संख्या 14, 1 ह्यूमरस बोन, रेडियो अल्ला 2 कार्पस 8, मेटा कार्पस 5, उंगली में 14, गर्दन में 7, रीढ़ की हड्डी में 26, कशेरुकी तंड 26 प्लस संख्या 12 जोड़ा, कुल मिलाकर 24, छाती की हड्डी में हड्डी की संख्या 1 नंबर। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल कॉलर बोन क्लेविकल, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे बड़ी हड्डी जान की हड्डी जिसे फीमर बोन कहते हैं, और हम लोग पिछले क्लास में लिए थे, यह बोन कठोर होने के साथ साथ खोखली है, जिसमें आरबीसी निर्माण करने वाला रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। आठवां क्वेश्चन, पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से चल रही है,
रोल कर रही है। पहिए का अधिकतम रेखीय वेग किस बिंदु पर होगा? गौर से देखिएगा, पहिया चक्का चलाए होंगे इस तरह से, चक्का चक्का का कोई एक पॉइंट जमीन से सटा हुआ है, तो जहां पर जो पहिए का शीर्ष भाग है और जमीन से, वहां पर लीनियर मोशन ज्यादा होता है, जो किनारे वाला भाग है वहां लीनियर मोशन कम होता है। उत्तर भी निकल गया होगा, उत्तर बी नंबर, पहिए का शीर्षतम बिंदु, पहिए का शीर्षतम बिंदु आठ का बी नंबर। नौ नंबर चले, जलप्रपात के अध स्थल मतलब ऊपरी स्थल का जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या? कल हम लोग चर्चा किए थे, कल ही के टॉपिक से ले लें। किसी पदार्थ के तापमान को दो विधि से बढ़ाया जा सकता है। पहला डायरेक्ट ऊष्मा लेकर हाथ सेक लिए, और दूसरा यांत्रिक क्रिया के द्वारा। अब देखिए, जलप्रपात है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो गतिज ऊर्जा के कारण उसमें तापमान उत्पन्न हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, तो नीचे ऊपर के तुलना में नीचे का पानी गर्म है, किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। अब एग्जाम्पल ले, गर्मी के दिनों में गर्म दूध है, पीना है, खौलता हुआ दूध था, तो आप क्या किए? दो बार औंठ दिए, दो गिलास लिए और औंठ दिए, ऐसे इस गिलास में, ऐसे इस गिलास में, यांत्रिक क्रिया हुआ। यांत्रिक क्रिया के कारण वातावरण के तुलना में इसका तापमान, मिल्क का तापमान अधिक था, तो न्यूटन के शीतलन के नियम में चलिए, जब वस्तु का तापमान और वातावरण के बीच के तापमान का अंतर जितना ज्यादा होगा, ऊष्मा का क्षय उतना ही तेजी से होगा। जैसे जैसे अंतर कम होता जाएगा, ऊष्मा का क्षय कम होता चला जाएगा, तो ऊष्मा दूध से निकलकर किस में जा रहा है? वातावरण। जाड़े के दिनों में बहुत कम कम पानी है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ऊष्मा दे देते हैं, तो पानी गर्म हो जाता है। तो यहां पर आया, झील के ऊपर से या झरना के ऊपरी तुलना, ऊपरी भाग के तुलना में यहाँ का पानी गर्म होता है, किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। उत्तर तो निकल गया होगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नौ का सी नंबर। दस में चले, अमलगम पारा का एक मिश्र धातु है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है पारा सामान्यतः धातु के साथ अमलगम बना लेता है, मिश्रण बना लेता है, लेकिन सोना चांदी लोहा टंगस्टन के साथ अमलगम नहीं बनाते। उत्तर क्या निकलेगा दस का? डी नंबर। ग्यारह नंबर चले, बहुत लोग सुबह वाले बैच में आज एक लड़का कंफ्यूज किया, कितनों समझाया नहीं समझ रहा, अंत में वो कहा कि ठीक है गुरुजी मान लेंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। पेट्रोल में लगे हुए आग को बुझाने के लिए आपके अपने क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ, या कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर एबीसी रखा हुआ, वहां पर एबीसी है, वहां पर एबीसी है, वो क्या है? बेकिंग पाउडर। उसमें वो क्या है? उसमें बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, वहां पर सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग, गौर से सुनना, बेकिंग पाउडर का प्रयोग पेट्रोल में लगे हुए लौ को कम करने के लिए किया जाता है। पेट्रोल पंप पर देखिएगा बालू भरा हुआ है, बालू क्या करता है? पेट्रोलियम पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लिया, लौ कम हो गया, बुझाता नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। नौ रहेगा बांस, नौ बजेगी बांस, नौ ऑक्सीजन रहेगा और ना आग लगेगा, ऑक्सीजन के संपर्क के तोड़ने से आग पर काबू पाया जा सकता। क्लियर हो गया? क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर ग्यारह का बी नंबर, इसके दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बारह नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? देख भैया इच्छा दिखाने वाला, क्योंकि अभी तक पिछले क्लास में हम लोग बताए थे टेस्टिस या ब्रिसन से टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ओवरी से पिटोसिन रिलैक्सिन एस्ट्रोजन ऑक्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। तो ये फीमेल हार्मोन, ये मेल हार्मोन, लेकिन क्वेश्चन एक कह रहा है कि कौन सा ग्रंथि से एक सेक्स हार्मोन का सीक्रेट होता है। अब देखो हम लोग में सेक्सुअल कैरेक्टर को दो भाग में बांटा है, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक प्राथमिक लैंगिक लक्षण और एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण। मां के गर्भ से बच्चा निकला है, हम लोग लिंग देखकर कह देते हैं बेटा है कि बेटी है, नर्स आती है लेके मिठाई खिलाई, बउआ हुआ है,
अबौआ हुआ है, मीठा खिलाए बुच्ची हुआ है, मतलब बेटी हुआ है। अब उस स्थिति में अब नर्स भी वहां पर बेटा होता तो काफी खुश होकर देती, आये बेटा हुआ, आइए आइए बेटा हुआ, आ बेटी होता मुंह लटका कर बेटी हुआ, नर्स को मरना चाहिए दुकान पट्टी में दूध तपरा, बेटा या बेटी हो अंतर क्या है, सब भगवान का प्रसाद। और देख बिना ऑक्सीजन की चलने वाली पहले भारतीय हो कर आए, पहली भारतीय महिला बिना ऑक्सीजन की चढ़ गई थी, अतरा सके चाहिए ऑक्सीजन भक भक हुआ। आइए तो मेरा क्वेश्चन था दो पॉइंट, यदि क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण मां के गर्भ में ही निर्धारित हो गया, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बाद में एक युवा अवस्था आने के बाद हमारे शरीर में सेक्सुअल परिवर्तन हो जाते हैं, पुरुषों में मूंछदार जाना, आवाज मोटा हो जाना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का निर्माण हो जाना, महिलाओं में चेस्ट का विकास हो जाना, आवाज पतला हो जाना, और ओवमजेनेसिस या अंडानुकर्ण का विकास होने लगना, ये सब का कंट्रोल एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनल सेक्स हार्मोन के द्वारा होता है। आप गौर करके देखें, जैसे ही आपका अवस्था परिवर्तन और हार्मोनल चेंज हो रहा, शरीर में विभिन्न प्रकार का पिंपल्स होने लगता, खोते रहो, समझा क्या हार्मोन सेक्स हार्मोन का कमाल है। वो अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो सेक्स हार्मोन द्वितीय लैंगिक लक्षण के करने के साथ साथ ये सब क्रिया का कंट्रोल करते। एक लाइन लिखेंगे जल्दी, लिखे एड्रिनल ग्रंथि, 12 का उत्तर हो गया ए नंबर, एड्रिनल हिंदी में क्या करते हैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनल सेक्स हार्मोन, एड्रिनल सेक्स हार्मोन के द्वारा नर और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित किया जाता है। को नियंत्रित किया जाता है हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311, गौर से सुनिएगा, 311, 310, 312 तीनों का समझना जरूरी है। लिखेंगे अनुच्छेद, उत्तर 13 का हो जाएगा ए नंबर, लिखाते लिखेंगे अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 310 में सिविल सेवा के पदाधिकारी या इसके अधीन आने वाले पद पर नियुक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में कहा गया है
कि संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रति या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा के सदस्य एवं इससे संबंधित पद के व्यक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यह किस अनुच्छेद में है? 310 में। एक लाइन और लिखेंगे, अनुच्छेद 311 में, 311 में भारतीय लोक सेवक, भारतीय लोक सेवक में नियोजित व्यक्ति को, में नियोजित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किया गया है। सुरक्षा प्रदान किया गया है इसी अनुच्छेद में कहा गया है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद की अनुशंसा पर ही, संसद की अनुशंसा पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। अनुशंसा पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 312। इसमें अखिल भारतीय सेवा इसमें अखिल भारतीय सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा की चर्चा किया गया है। की चर्चा किया गया है जिसके लिए राज्यसभा राज्यसभा क्वेश्चन लिखेंगे
संसद का उच्च सदन को विशेष कोषभंग को विशेषाधिकार दिया गया है। विशेषाधिकार दिया गया है। अब जब 300 जब अनुच्छेद 22 लिखा हुआ है तो वहां लिख लेंगे अनुच्छेद 315, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 315। अच्छा 315 है, 315 है लिख लेंगे, 22 में 312 कर दीजिएगा, 315। इसमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है चलो उत्तर भी निकल गया होगा। 13 का उत्तर एक नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है, सबको पता है 1931 में 23 मार्च 1931 को, उससे पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसमें गांधी जी पर आरोप है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं बचा पाए, क्योंकि इरविन ने कहा था राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त कैदियों को तुम छोड़ देंगे, लेकिन आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त कैदियों को, शेष कैदियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक गतिविधि में बंद भारतीय कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। तो आतंकवादी गतिविधि में बंद थे 1928 के लाहौर के संदर्श हत्याकांड में आरोप लगा था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बेचारे वसी हत्या का आरोप लगाकर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। उत्तर भी निकल गया, कौन सा हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड, उत्तर निकलेगा ए नंबर, निकाल कर सकता नहीं। 15 नंबर चले, करकिंस के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर को किसकी मांग और मुद्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन से सुनिएगा, कल भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन परसों भी था, कल बताए थे सुलभ मुद्रा के बारे में जो निम्न ब्याज दर पर प्राप्त किया जाता है, क्या है, तो डिमांड है इतने, आपूर्ति है इतनी, मतलब सप्लाई के तुलना में डिमांड कम है तो उसका वैल्यू क्या है, कम है, बाहरी रेट क्या है, कम है। लेकिन जब सप्लाई के तुलना में डिमांड कम हो तो उसका बाहरी रेट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसका मतलब है मुद्रा का डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा का बाहरी मूल्य निर्धारित होता है। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा किंग्स नामक अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था। उत्तर निकाल लीजिए, लॉर्ड किंग्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर को किसकी मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित किया गया, धन या मुद्रा की आपूर्ति। सी नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार भाटा, इसमें लघु होता है और उच्च होता है, ज्वार भाटा दो प्रकार का, एक उच्च ज्वार भाटा एक निम्न ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा कब होगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समकोणिक स्थिति में होगा। मान लिया जाए, गौर से देखिएगा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोणिक स्थिति में रहता है, तो इस दिन लो टाइड 15 से 20% निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। यह कंडीशन महीना में दो बार
शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को होता है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को होता है, इसे कहते हैं लघु ज्वार। कब हुआ? शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के सातवीं एवं आठवीं तिथि को। दूसरा बनता है जब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे का क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। या कब कब होगा तो दो दिन होगा, अमावस्या या पूर्णिमा को फुल मून पूर्णिमा कहेंगे और न्यू मून अमावस्या कहेंगे। तो दो ही दिन या सीधी रेखा में होती है। इस घटना को कहते हैं युति वियुति। क्या कहते हैं? युति वियुति। अंग्रेजी में कहते हैं सीजीगी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस वाई जेड वाई जी वाई। तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो इस दिन 15-20% उच्च ज्वार होगा। इस दिन क्या होगा? यह किसका दृश्य बताया है? उच्च ज्वार का। कब होगा? पूर्णिमा को या अमावस्या को। कब होगा? तीनों जब एक सीधी रेखा में आ जाएगा। अब इसी दिन एक क्वेश्चन और ले, कौन से सुनिएगा। यदि दोनों के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो सोलर इक्लिप्स हुआ। सोलर इक्लिप्स कब हुआ? कब हुआ? फुल मून या न्यू मून? स्क्रीन पर देख के बताओ ना, फुल मून या न्यू मून? न्यू मून अमावस्या को। और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ गया पृथ्वी तो क्या हो गया? चंद्र ग्रह लूनर इक्लिप्स, जो केवल होता है किस दिन? फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन। उत्तर निकल गया होगा? उत्तर आया समझ में? क्या हुआ? रूपण दिखे क्या बोल? एक महीना में कितने पूर्णिमा? समान तो एक होता है, कभी कभी दो गो होता है। तो पहले पूर्णिमा को पूर्णिमा कहा गया और दूसर का पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। ब्लू मून, पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसर का पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। चलिए जल्दी से लिख लेंगे, दो पॉइंट लिख लेंगे। लिखेंगे उच्च ज्वार, तो पहले क्वेश्चन में जो है सो न लिखे, उच्च ज्वार लिखेंगे। उच्च ज्वार हाई टाइड, तब उत्पन्न, स्क्रीन पर देख देखे अपने मन से लिखिए, तब उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहती है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहती है, जो केवल पूर्णिमा और अमावस्या को ही हो पाता है, जो केवल पूर्णिमा एवं अमावस्या को ही हो पाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या को ही हो पाता है, हो गया, पूर्णिमा एवं अमावस्या को ही हो पाता है। आगे बढ़े फिर देखेंगे निम्न ज्वार, निम्न ज्वार तब उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से समकोणिक स्थिति में रहता है, एक दूसरे से समकोणिक स्थिति में रहता है,
स्क्रीन पर देखिए, एक दूसरे से समकोणिक स्थिति पर आता है। यह केवल शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को होता है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को सप्तमी या अष्टमी तिथि को होता है। आगे बढ़ जाए, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का तो 16 का एसी नंबर। मौर्य काल में हस्ती सेना, जाहिर सी बात है हस्ती सेना हस्ताध्यक्ष, हस्ती सेना हस्ताध्यक्ष। 18 नंबर क्वेश्चन, तो 17 का उत्तर क्या होगा? 17 का उत्तर ए नंबर। चलिए 17 का उत्तर ए नंबर। 18 नंबर चले, भारत में संघीय अदालत की स्थापना किसके तहत किया गया? तो सबको पता है 1935, लेकिन इससे क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है, गौर से सुन लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन बनेगा। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में। भारत का पहला हाई कोर्ट 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट। हालांकि इसी वर्ष बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। भारत का पहला या भारत का संघीय अदालत की स्थापना 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए, 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। चारों क्वेश्चन बनता है, आप लोग को दिख रहा है बाद में, चलिए लिखेंगे। ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, अठारह का उत्तर होगा सी नंबर। पहला सर्वोच्च न्यायालय, भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1774 कोलकाता में, कलकत्ता लिखेंगे, कलकत्ता में लेटिंग 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का प्रथम हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1862 में पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत का संघीय अदालत, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1937 में, भी लिखेंगे वर्तमान सर्वोच्च
न्यायालय का शुभारंभ अट्ठाईस जनवरी 1950। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अलावा छृत्य कहा अपना बिहार में, उत्तर निकलेगा 19 का सी नंबर। एक मुद्रा जिसका विनिमय दर लगातार गर्म होती रहती है, कल क्वेश्चन था कैसा, सुलभ मुद्रा, उत्तर क्या निकलेगा बी नंबर, 20 का बी नंबर। 21 नंबर चले, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, किसके विरोध में, अंग्रेजी नमक कानून के विरोध में, अंग्रेजी नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन करा है कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, लेकिन नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया, 6 अप्रैल 1930 को, 24 दिन के पैदल यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 200 मील दूर दांडी नामक स्थान तक पहुंचे, और दांडी में समुद्री बालू से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून तोड़ते हुए नमक सत्याग्रह, इसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहा गया, प्रारंभ किया। क्वेश्चन आएगा नमक सत्याग्रह कब, 6 अप्रैल 1930, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930, अपने 78 अनुयायी को साथ लेकर, उत्तर निकल गया होगा 21 का एक नंबर। चलिएगा इनका क्वेश्चन है सुनिए, पहला महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च को शुरुआत किया, दूसरा नमक सत्याग्रह नाम से विख्यात असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह कहीं असहयोग होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तो बैन करेगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, आई 1930 में है, 12 मार्च को शुरुआत हुआ। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन हुआ 1930 में, उसमें कोई पहुंच में नहीं किया। अब देख 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपना 14 सूत्री मांग रखे, जिसने कहा कि नमक पर बनाए गए कर को तोड़िए, 11 सूत्री मांग, अपने नमक पर बढ़ाए गए पहले कर को हटा दिया जाए, यदि नहीं हटाए तो समझ जाओ नमक है भारतीयों का अति आवश्यक वस्तु, बिना नमक का काम चलने वाला है नहीं, दाल में नमक, चोखा में नमक, सब्जी में नमक, स्विमिंग पूल में नमक, मतलब जगह जगह नमक की जरूरत है, अतः नमक पर से कर हटा दीजिए। गांधी ने इरविन को कहा यदि नहीं हटाए तो समझ जाओ मैं नमक सत्याग्रह प्रारंभ करूंगा, इरविन का दिल ऐसे बोलते हटो। जब गांधी जी के प्रस्ताव को इरविन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, स्टार्ट कर दिया 12 मार्च का, रे चल चल रे चल 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 रे मारो ला सर चल तू सर, अपना 78 चेला चपाटी को लिया, चेला चेली दोनों को, और गांधी जी देखबे करते देर कितना हाथ रहता था, एक बार ऐसे पकड़ते थे अकेले आगे आगे पीछे से सबको लेके 200 मील दूर 24 दिन का लंबा पैदल यात्रा करते हुए पहुंच गए दांडी, दांडी गुजरात का समुद्री तट, और वहां पर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री बालू से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रेमजे मैकडोनाल्ड ने लॉर्ड इरविन को काफी फटकार, अरे अगला को कहना है वो कहने कहेगा कि ऐसे से बात गांधी ने कहा था, ऐसे से बात करने के लिए उन्होंने नहीं की, जाओ किसी भी कंडीशन पे अगले साल दूसरा गोल में सम्मेलन हो उसमें आना चाहिए, वहां से नहीं कहता है किसिया बिल्ली खम्बा नोचता है, वहां से भागे भागे आया और यहां से चट से 5 मार्च 1931 को गांधी ने गांधी को दिल्ली में उन्होंने समझौता करने के लिए बुलाया, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट कहा गया, 5 मार्च 1931 को। इसके आधार पर कहा कि पिछले बार नहीं गए थे, हमारा दिक्कत हुआ, इस बार जरा से चल गई, आप ही चल जाते तो अच्छा रहा,
ठीक है हम चल जाएंगे, क्या दिक्कत है, दोनों आदमी का बात मन की बात हो ही गया, चल गए। अब वो मैं चल गया था भीमराव अम्बेडकर, जो पहले में गए, दूसरे में गए, तेसरे में भी 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया जा रहा था कि अछूतों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होगा। अम्बेडकर सर ताली बजाने रहे, महात्मा गांधी रहे, तब महात्मा गांधी और अम्बेडकर बीच में हो गया टेंशन टेंशन, कहा कि नहीं होना चाहिए मुसलमान के लिए। 1919 में 1909 में हमने कुछ कहा, अम्बेडकर 1909 में मुसलमान के लिए हमने कुछ कहा, नहीं कहा। 1919 में सिख ईसाई एंग्लो इंडियन के लिए हमने कुछ कहा, नहीं कहा। तो जब हमारा बारे में दे रहा था आपको कहना नहीं सह हो रहा है, होना चाहिए था, ठीक है रखो। गांधी जी पिछला सम्मेलन में छोड़ के भागा, आकर फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। उधर से अम्बेडकर से आए 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई 1932 में। गांधी जी को पकड़ के जवाहरलाल जेल में बंद कर दिया गया। जवाहरलाल जेल में जैसे पता चला कि अब लागू हो गया, अनशन पर बैठ गए 20 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर के बीच जेल में समझौता करवाया गया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। गांधी अम्बेडकर समझौता है, पूना समझौता कहा गया, जिसमें कहा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, चलो भूल जाओ, तो उन्होंने भूल जाते हैं, आरक्षित सीट की संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं, काजी एकदम बढ़ा दिए थे। जैसे ही समझौता हुआ, गांधी जी दूसरा चाल चल दिए, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन करके अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिए। जो अछूत अम्बेडकर का दीवाना था हो गया सब गांधी जी का दीवाना। धीरे धीरे अम्बेडकर साहब भारतीय राजनीति से अलग थलग होने लगे, त्याग पद दे दिए। उसके बाद जब संविधान सभा का गठन किया गया, बी एन राव ने संविधान का मसूदा तैयार किया जिस पर डिस्कशन हुआ, 8 महीना विचार विमर्श के पश्चात 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया, प्रारूप समिति बनाया गया। इसका अध्यक्ष कब बनेगा, अम्बेडकर साहब का हम नहीं जाएंगे, जाओ जो करना करो, सब को पीर मनाए, मान जाइए मेरी बात, मान जाइए। तब चूंकि इतना विद्वान तो कोई थी संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब, तब जाके अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, स्वतंत्रता प्राप्ति। हालांकि देखो भाई, फिर यहाँ पर जब अंतिम सरकार का गठन किया गया तो पहले कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। जैसे स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के पश्चात जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। सही ना, कहानी सुनने का मन था कि सर जी का एक बार यदि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो लाना सब क्वेश्चन का पेचीदा लग जाता है। आइए सवाइयों को देख रहे हैं, इसीलिए बढ़ जाते हैं कभी कभी। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 22 में चमे ग्रेनाड क्या है, तो पूर्वी कैरेबियन सागर में। ग्रेनाड कहा है, पूर्वी कैरेबियन सागर। यदि पूर्वी कैरेबियन सागर में नहीं रहता तो हम लोग मार देते क्या चीज, अटलांटिक महासागर। नीचे लिखे गए सम्राट में से कौन सा अंतिम दिन में अपने पुत्र के बंदी में थे, इसको कोई डिस्कशन की नहीं। शाहजहां का जीवन काल का अंतिम समय में औरंगजेब ने आगरा के किले में बेचारे को कैद कर दिया, और आगरा में 1658 ईस्वी में राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन एक उसका प्रतिद्वंदी जिंदे था, दारा सिंह को अंत में देवराय के रूप में दारा को पराजित कर दिया। अबुत सिकर कहा कि एकदम ये जो है मुस्लिम धर्म का विरोधी है, हटा उसको, फांसी दे दिया। तब जाकर 1659 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया। इस तरह से औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था, उन्होंने अपना राज्याभिषेक दो दो बार किया, 1858 में किया, 1658 में आगरा के किले में, और 1659 में किया कहा, दिल्ली के लाल किला में। हो गया क्लियर, उत्तर निकल गया होगा 23 का सी नंबर। 24 नंबर चले, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पोस्ट ऑफिस एक्ट, 2 पैसे का डाक टिकट, पहली बार रेल, सब किसके काल में, डलहौजी के काल में। 24 का ए नंबर। अगला चले 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, पहले सुनना, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू है, गाडविन आइंस्टीन है, जिसे ही
काराकोरम कहा गया, एक हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। दो पॉइंट लिखो जल्दी से, उत्तर निकलेगा 25 का बी नंबर, पालाकोड के टू, ये भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू, जिसे ही कहा जाता है गाडविन, आस्टिन, जिसे ही कहा जाता है काराकोरम, जो ट्रांस या तिब्बतियन हिमालय का हिस्सा है। लिखेंगे भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। जो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय का हिस्सा है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, निफ्टी फिफ्टी क्या है भाई? मुंबई शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है, मुंबई शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक। 26 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन का, सोडा अम्ल अग्निशामक के बीच क्या है भाई? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड। 27 का उत्तर निकलेगा बी नंबर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से हुए चार स्थल जहां शंकराचार्य ने चार मठ की स्थापना किया, पिछले बार भी बताए थे शंकराचार्य। 28 का उत्तर होगा सी नंबर, लेकिन तीन चार क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन फंसा, उस क्वेश्चन था बॉम्बे निफ्टी फिफ्टी। अब से इसमें निकालिए, और कुछ है उसको मार दीजिएगा। राष्ट्रीय शेयर मूल्य सूचकांक का निफ्टी फिफ्टी है, बम्बई शेयर मूल्य सूचकांक का डॉलेक्स है, या बैंकेक्स भी कहेंगे, सेंसेक्स कहेंगे, सेंसेक्स है। इसका ऑप्शन के अभाव में आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय शेयर बाजार का ही एक अंग है। हो गया, आगे बढ़े। 28 नंबर का क्वेश्चन सी नंबर, लेकिन दो क्वेश्चन यहां पर लिखना जरूरी है। लिखेंगे पूर्व मध्यकाल में भक्ति संत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन दिए, एवं स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए। फिर अगला पॉइंट, इन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए इन्होंने चार मठ की स्थापना किए, मत के प्रचार के लिए। कितने मठ? चार मठ की स्थापना।
पहला ईस्ट में, पूरब में, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ या गोवर्धन मठ, पश्चिम गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ, उत्तर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दक्षिण कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, हो गया उत्तर भी निकल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर के बाद 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाया था, जहां बौद्ध धर्म का महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। किस शाखा की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध बिहार की स्थापना करवाया। जहां बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा लेकिन दो को और बनता है, पाल वंश के शासक गोपाल ने बिहार शरीफ में ओदंती पूरी विद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना जहां बौद्ध धर्म का महायान शाखा की शिक्षा एक और बना, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। आइए तीस नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीस नंबर कह रहा है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, एक बट्टा तीन। उत्तर क्या निकलेगा? तीस का नंबर हो जाएगा बी, लेकिन कम से कम
चालीस तो देख भैया विधान परिषद का अधिकतम सदस्य मतलब क्वेश्चन लिखे एमएलसी विधानसभा के सदस्य क्वेश्चन लिखे एमएलए एमएलए की कुल संख्या का एक बटा तीन जबकि न्यूनतम 40 होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 36 एगो है, जम्मू कश्मीर कितना है 36 एगो है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम की क्या है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का, विधानसभा में है 500, विधानसभा में एमएलए होना चाहिए 500 मिनिमम, 60 एमएलसी होना चाहिए, उस राज्य के विधानसभा का कुल सदस्य का एक बट्टा तीन अधिकतम और मिनिमम कितना 40। जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहां पर 40 से भी कम, कितना हो गया क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर चले 31 नंबर। 31 का सबको पता है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी धर्म या पंथ निरपेक्ष एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया, उत्तर निकाले होंगे 31 का बी नंबर। 32 नंबर कह रहा है भारतीय सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति किसका कौन करता, अभी हमें बताए थे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय नृत्य में केवल मलिन हो रहती है, क्यों मान गए उड़ीसा का ओडोसी, उड़ीसा का महिला प्रधान नृत्य, बढ़िया डांस कीजिए आप लोग देखेंगे हम लोग महिला प्रधान डांस कौन उड़ीसा ओडिसी, उत्तर क्या निकलेगा बी नंबर। 33 नंबर का बी। 34 नंबर देख भाई जो आप लोगों में भी देखा जाता है, जब आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया हो जाए ना तो देखते हैं कितना वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाता है, तो कहते घाटा में चल रहे हैं, कहल आमदनी हुआ अठन्नी या खर्चा हो गया रुपया। लेकिन आप अजीत हो जाए जब आमदनी रुपया खर्चा अठन्नी तो दोनों हाथ में लड़ू रहता है तो लेगा लो मतलब तुम लोगों को ये तो कोई सब नहीं प्रतिक्रिया थी, जैसे इधर के थे सब के स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि के यह रीति, मतलब सब सब जगह स्वार्थ है। देख हमने कहा गौर से सुनना कंसेप्ट, पर यही कंसेप्ट याद रखेंगे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो हम लोग घाटा में चल जाते, वित्तीय घाटा हो जाता है, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, जब आमदनी रुपया खर्चा करनी होगा तो हम लोग क्या होते हैं अनुकूल रहते हैं, अनुकूल रहते हैं, और जब आमदनी रुपया खर्चा रुपया हो जाए तो हम लोग कहते बैलेंस होके चल रहा है, उत्तर निकालिए। कर वित्तीय घाटा का अर्थ क्या हुआ, आमदनी के तुलना में खर्च ज्यादा हो गया, आमदनी के तुलना में खर्च ज्यादा हो गया या खर्च के तुलना में आमदनी कम हो गया। हमारे शब्द पर गौर करेंगे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया तो वित्तीय घाटा हो गया, उत्तर खोजिए तो उत्तर क्या निकलेगा सी नंबर, 34 का सी नंबर वित्तीय घाटा बराबर आमदनी
और थर्मी एवं कोई कंडीशन खर्चा रुपए हो गया। आइए 35 नंबर का गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए, तो देख भैया असहयोग आंदोलन कहा गया सुनेंगे। गांधी जी 1919 में अली बंधु को कहते देख बउआ केवल खिलाफत आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है, खिलाफत के साथ साथ एक और आंदोलन चलना चाहिए असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय, इसका अध्यक्ष, और इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के सामने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने विरोध के बाद नहीं होगा, गांधी जी को यही सब कारण था कि मंगल बाबा की उपाधि दिया गया खुदा खुदी नरदार बाटी के द्वारा, और शेख मुजीबुर रहमान ने कहा है गांधी ये घुमिया सरकार था या क्रू जिसको देखे एक बार पटा लेते थे। अब पटाना हम लोग कहते हैं बाबू जी को पटा दिए ये काम करवाने के लिए, तो वहां पर पटाने का मतलब गलत से जाता है, कहते रहे भाई को पटा लेंगे तो मोबाइल हमारा मिल जाएगा, तो भाई को पटाना जरूर, यहाँ पटाना गलत से ना आया, जब ये खाली खलचा कभी पटा लिया तो बस हो गया, प्यार प्यार कर रहे हैं हम। अब देखो प्यार कर रहे हैं हम, कितना हल्ला किया, आप लोग से भी हम प्यार कर रहे हैं, नहीं प्यार करते थे डेढ़ घंटा आपके गुलाम हम नहीं है ना मेरे, आप भी मुझसे प्यार कर दो, करा नहीं कर रहा है, एकदम स्पष्टवादी लड़का है वो, एकदम सही बोला हमसे नहीं कर रहा है, नहीं झूठ बोला, नहीं करता तो डेढ़ घंटा हमारा गुरुत्वाकर्षण में रहता ही नहीं, डेढ़ घंटा में क्या बार फोन से बतिया दिया रहता, ऐसा ऐसा नहीं किया, मतलब हमारा से प्यार करता है। हम लोग अपने माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, सखा से, सखी से, दोस्त से, महीम से, समाज से, देश से, विश्व से, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, अग्नि से, जल से, सबसे प्यार करते हैं, करते हैं, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग होता है। तो यहां पर जो हमने कहा गांधी जी का स्वरूप अलग था, गांधी जी ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को बहुत जल्दी अपने सम्मोहन में लिया, और जब 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, खुद चित्तरंजन दास ने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखे, और गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाते हुए कहे कि यदि समस्त भारतीय मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर 1 साल चल जाएगा तो उन्हें स्वराज की प्राप्ति मिल जाएगी। एरिया क्या 1920 से 21 हुआ, 21 से 22 आया, दूर दूर तक स्वराज नहीं दिख रहा था, गांधी जी ने मन बना लिया कि बाप रे बाप, हम तो 21 साल के लिए एग्रीमेंट करवाए थे, भीतर भीतर गुड़गुड़ गुड़ हो रहा है कि 9 बज गया है, बार बार घड़ी की ओर जा रहा है। तो तुरंत गांधी जी ने मन बनाया कि असहयोग आंदोलन के स्थान पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, कौन सा अवज्ञा, नागरिक। लेकिन बात कुछ और हो गई, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ किसानों के द्वारा पुलिस चौकी को थाना को घेर कर आग लगा दिया, 1922 की घटना है, 22 हो गया, याद रखिएगा 1922 की घटना था, 22 को पुलिस कर्मी जिंदा जलकर मर गए, गांधी जी को पता चला का बाप रे बाप बहाना मिल गया हमको, हमने इसको पूर्णतः अहिंसक आंदोलन के रूप में प्रारंभ कर दिया था, इसमें हिंसा आ गया है, जल्दी यह हाथे हम आंदोलन को बंद कर लेते हैं, बहाना मिला हुआ है, तो हमने भाई गांधी जी को कहा ऐसा किए का जो हमने अहिंसा के रूप में स्टार्ट किया था, हिंसा आ गया, सुभाष चंद्र बोस का बड़ी बुरा हाल। 1921 ईस्वी में उन्होंने ICS एग्जाम भारतीय सिविल सेवा का रिजाइन देकर आए थे, उनका राजनीति गुरु था चित्तरंजन दास, समझो 1 साल रिजाइन दे क्या आया, आंदोलन खत्म हो गया, अब तो वो बेरोजगार बैठे
अब करे तो करे। गांधी जी को कोसे की एकदम गलत बात है। जब देश की जनता का उत्साह चरम पर था, देश की जनता का उत्साह चरम पर था, उस स्थिति में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अस्थिर करना कुछ भेजे में नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने कहा कन्या कुमारी के किसी एक गांव को टाइफाइड हो जाए तो उसका दवा जम्मू कश्मीर के किसी एक गांव को क्यों दिया जाए, कुछ भी हो गांधी जी गांधी तो गांधी चल गए। फिर एक महीना के बाद जेल चल गया, जेल में तबियत खराब हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इस माहौल से निकाल के ठीक हो जाएगी। 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया, फिर नया रचनात्मक कार्य चलाने लगे, फिर प्लान बनाने लगे, फिर से कुछ ना कुछ काम करे। हुआ भी वही, दांडी यात्रा शुरुआत हुआ 1930 में। आइए अब क्वेश्चन निकल गया होगा, क्या होगा उनका 35 का, उनके सिद्धांत के विपरीत हिंसात्मक होने लगा था। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 36 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, इस साइमन कमीशन 27 में गठन हुआ, 28 में, तो 28 साइमन कल परसों में भी आया था शायद, 1928 सांप्रदायिक आवाज, सांप्रदायिक आवाज, कम्युनल आवाज या पंचायत कहते हैं, 1932 दांडी यात्रा, अभी बताए थे कब, 1930 12 मार्च, और गांधी इरविन समझौता अभी बताए थे 5 मार्च 1900 गांधी इरविन समझौता, जिसे ही पूना समझौता कहा गया, दिल्ली समझौता कहा गया वो नाम हुआ था गांधी अंबेडकर, 5 मार्च 1931 को। उत्तर निकालिए, सी नंबर 36 का उत्तर, सी नंबर। 37 नंबर में कह रहा क्वेश्चन कि प्रेरी यूएसए एसटीपी रूस में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान गेहूं फसल के लिए जाना जाता है, विश्व का अन्न भंडार कहा गया, 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। हार्मुज जल संधि मुख्य रूप से किन दो देशों को अलग करती है, तो देख भाई 38 नंबर में हार्मुज है, कुछ नयापन क्वेश्चन को प्रदान किया गया है। हार्मुज जल संधि ईरान एवं यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान, ओमान को काट के क्या कर दे ईरान, अलग करता है उसका फारस की खाड़ी है, चलो फारस की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान, रुक जाइएगा, बाब अलमंडेल जल संधि लाल सागर और अदन, ओमान की खाड़ी लिखेगा, हो गया। 38 का ए नंबर मारिएगा, ओमान को काट के क्या कर देंगे ईरान। 39 नंबर में कह रहा है कि भाई मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे समूह को क्या कहा गया, तो कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह, क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉइड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है उसे क्या कहते हैं एस्टेरॉइड कहा जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि यह आकाशीय पिंड, मेरे आप ध्यान देंगे, आंतरिक ग्रह इसे टेरिस्टेरियल प्लैनेट कहा गया, पार्थिव ग्रह कहा गया, और जोवियन ग्रह जिसे बाह्य ग्रह कहा गया, दोनों को बाइफर्केट करता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करता, कौन सा क्षुद्र ग्रह। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी डी नंबर, क्षुद्र ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है
केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? तो कौन सा होगा? वित्तीय आपात। 40 का उत्तर बी नंबर कर लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एड लीवस समूह का मुख्यालय कहां? बंबई में। बी नंबर। 42 नंबर का राय, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ई वीजा व्यवस्था को पर्यटन के अनुकूल बनाया गया है तो कितने देश में लागू है? 166 देश में लागू है। 166 ऑप्शन सी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 15 फरवरी 2019 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिका से वित्त वर्ष 19-20 में प्रतिदिन 3 मिलियन मीट्रिक टन खरीदेगा। बी नंबर। 44 नंबर में 12 फरवरी 2019 को किसे इबाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सिद्धार्थ लाल को? बी नंबर। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर, सिद्धार्थ लाल। 44 के बाद 45 चले, फरवरी 2019 के मध्य क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति के तीसरे दौर में तेल एवं गैस तथा कोल वेद मिथेन के कितने ब्लॉक पर हस्ताक्षर हुआ है? 23 ए नंबर, 45 के ए नंबर। 46 नंबर चले, निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषद के साथ भारत को निर्यात वृद्धि दर पर चर्चा के लिए किस विभाग ने बैठक की है? तो वाणिज्यिक विभाग के द्वारा, ए नंबर। 47 नंबर, फरवरी 2019 में अमेरिकी बैंक ने अपने थोक भुगतान कारोबार में ग्राहक के बीच भुगतान को व्यवस्थित करने में मदद हेतु एक क्रिप्टो मुद्रा जारी किया है, जेपी मॉर्गन, सी नंबर। 48 में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक प्रवृत्तियां 2019 में कौन सा कथन सही नहीं है? डी क्वेश्चन सही नहीं है, बाकी सब सही है। 49 नंबर में, अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध विधेयक 2018 के संबंध में क्या कथन सही है? सबका सब सही है, डी नंबर। और 50 नंबर में, 14 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति ने अपना रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपा है, जिस समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अनुप सतपथी, बी नंबर। इसी के साथ सेवा विराम दिया गया। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य।